रोजगार के मुद्दे पर सरकार से पहले हम मीडिया से पूछना चाहते हैं कि आपने रोजगार के मुद्दे पर कितना बहस किया है। रोजगार ही तो सुबह से रात तक टॉपिक चल रहा है, आपको मंच क्यों मिल रहा है? चुनाव के दौरान ये छुटपुट रोजगार की जो छुटपुट नहीं हो रहा, आपकी बातें छुटपुट है। चलिए सुना आपने, ये नौजवान जिस तरह से इस गोदी मीडिया की एंकर अंजनाम कश्यप से सवाल कर रहा है और सवाल कर रहा है कि आप ऐसे मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते जो जवानों से जुड़े हुए हैं, जो नौजवानों से जुड़े हुए हैं, जो रोजगार से जुड़े हुए हैं, जो नौजवानों की समस्याओं से जुड़े हुए हैं, बात कर रहा है रोजगार की, इस पर बहस क्यों नहीं होती जिस तरह से पहले 2014 से पहले इन मुद्दों पर टीवी चैनल्स में महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, गरीबी पर बहस हुआ करती थी। वो अब मुद्दे पूरी तरह से मेनस्ट्रीम मीडिया से गायब हैं। एक बड़ा सवाल, एक बड़ा तमाचा है उस वक्त जब अंजना ओम कश्यप लाइव डिबेट में पब्लिक में जाकर के लोगों से बात कर रही थी, तो ऐसे में नौजवान के जरिए इस मुद्दे को उठाया गया जिस पर बार बार उसने सवाल किया, लेकिन उसके बाद वो अपना माइक उसके नौजवान के सामने से हटा करके दूसरी तरफ जाती हुई नजर आई। उससे बात करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, उन्हें लगा कि अगर नौजवान से ज्यादा उलझेंगी तो वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगी, क्योंकि एक बड़ी बात है जिस तरह से लाइव डिबेट में, टीवी डिबेट में एक नौजवान किसी बड़े पत्रकार से, एक बड़े जर्नलिस्ट से जिसका नाम है, एक बड़े चैनल की जर्नलिस्ट है, उससे जिस तरह का ये सवाल किया जाता है, और अंजना ओम मोदी जैसी जो एंकर्स हैं वो जिस तरह से इस तरह के सवालात कभी अपनी डिबेट्स में नहीं उठाती। देखने में ये आ रहा है कि जब सवालात करते हैं सीएम के जो इंटरव्यू किए जा रहे हैं, चाहे किसी भी बड़े चैनल की बात करें, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की जाती, उनसे सवाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप अखिलेश यादव का इंटरव्यू करते हैं या जयंत चौधरी का इंटरव्यू करते हैं तो उसमें ये देखने में आता है कि पूरी तरह से, या फिर असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू करते हैं तो उसमें तरह तरह के सवालात किए जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, उनके वक्त में जो क्राइम था उस पर बात की जाती है, उनके वक्त में जो भुखमरी थी उस पर बात की जाती है, डेवलपमेंट पर बात की जाती है। लेकिन जब अखिलेश यादव मुखर होकर के उन सब चीज़ों का जवाब देते हैं तो उसके बाद परेशानी हो जाती है। जिस तरह से वो सवालात करते हैं पत्रकारों की ईमानदारी पर, तो उस पर विफर पड़ती हैं। मोहतरमा, आपने देखा किस तरह से उन्होंने जब इनके ऊपर ईमानदारी का तमगा लगाया तो इनकी समझ में आ गया कि अखिलेश यादव कहाँ बोल रहे हैं, और उसके बाद वो बिफर गईं और ये कहा कि आपसे अगर कोई सवाल करे तो आप इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 2014 से लेकर आज तक पिछले 7 साल में मीडिया का रुख बदला है, सत्ता पक्ष सवाल करना छोड़ दिया है, जब भी कोई बात होती है तो बात आ जाती है मनमोहन सरकार की से लेकर के पूरी तरह से जो आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तब तक की बात आती है, नेहरू के डेवलपमेंट पर बात होती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 6 साल पहले जब अटल जी का दौर था उसका भी जिक्र होना चाहिए, या अब जिस तरह से 7 साल से नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 5 साल से योगी की सरकार है, तो उस पर भी सवाल होना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की बात नहीं होती। और यही वजह है कि जब टीवी चैनल्स के लोगों का पब्लिक में जाते हैं इस तरह के एंकर, उनके हाथ में माइक देते हैं तो लोग यहाँ तक कि लिटरली गालियाँ बकते हैं और दलाल मीडिया कहते हैं। और यही वजह है कि बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिन्होंने अब शाम के वक्त जो पहले न्यूज़ चैनल लगा करके वो देश दुनिया के हालात जानना चाहते थे, अब वो देखना बंद कर दिया है। उसके लिए उन्होंने अल्टरनेटिव मीडिया यानी सोशल मीडिया का अब सहारा लिया जा रहा है, और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी परेशानी नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बनकर सामने आई है, ख़ासतौर से इस इलेक्शन में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया के जरिए तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लगातार जिस तरह की कवरेज की जा रही है, जिस तरह से रोड शोज़ दिखाए जा रहे हैं कि जब पब्लिक में पहुँचते हैं तो किस तरह का विरोध किया जाता है, जब ये दिखाया जा रहा है कि कुर्सियां खाली हैं, ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं की लैंग्वेज किस तरह से बदल रही है, किस तरह से वो देश विरोधी लैंग्वेज, जिस तरह से वो संविधान विरोधी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए जब सवालात किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं लेता, तो कहीं ना कहीं सवालात खड़े होते हैं। और ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में आने के बाद न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बनता है। जिस तरह से आपने देखा कि लगातार मुद्दे बदलते जा रहे हैं, पहले चरण से लेके आज चौथे चरण तक
जिस तरह से लगातार नए नए मुद्दों की एंट्री हो रही है, तीसरे चरण में जिस तरह से अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुआ था उस मुद्दे को बनाया गया, चौथे चरण में बुर्के पर जिस तरह से बात की जा रही है, उससे पहले और मुद्दे थे, पहले चरण से पहले जिस तरह से विपिन रावत का मामला था, तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं बीजेपी के ज़रिए, लेकिन उसके बावजूद तमाम मुद्दों की हवा निकलती नजर आ रही है। और अभी जिस तरह से तीन फेज और बचेंगे, आज चौथा फेज चल रहा है, उसमें देखने में ज़रूर आएगा कि इन तीन फेसों में भी और नए मुद्दे उठाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से अब सांड तक बात आ गई है, गाय तक बात आ गई है, और आगे आगे आप देखिए और बहुत सारी चीज़ों की एंट्री होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रण में अब नरेंद्र मोदी पूरी तरह से उतर चुके हैं। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।